विधानसभा चुनावी जीत के नशे में चूर भाजपाइयों ने बिहार में किया मस्जिद पर हमला, जमकर की तोड़फोड़, नमाजियों को किया घायल। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, नतीजे घोषित हुए 10 नवंबर को। 11 नवंबर को एक ऐसी घटना घटी बिहार के पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में ढाका विधानसभा चुनाव है, यहां से भाजपा के प्रत्याशी थे पवन कुमार जायसवाल, जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की। इनके समर्थक जमुआ गांव, जो कि ढाका विधानसभा क्षेत्र में आता है, ये जमुआ गांव में 500 समर्थकों ने विजयी जुलूस निकाला था, विजयी यात्रा निकाली थी। ये यात्रा जैसे ही जमुआ गांव की सबसे पुरानी मस्जिद के पास ये जुलूस पहुंचा, तो जुलूस में शामिल लोगों ने अचानक से इस मस्जिद पर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव करने के साथ साथ इस भीड़ में से कई लोगों ने मस्जिद में अंदर जाकर तोड़फोड़ की। मस्जिद का लाउडस्पीकर, माइक वगैरह सब तोड़ दिया गया। मस्जिद के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। ये तमाम वारदात जो है, तमाम तोड़फोड़ की घटना जो है, ये बुधवार 11 नवंबर शाम को मगरिब नमाज के वक्त हुई है। उस वक्त 5 लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे और इन्हीं 5 लोगों को इस भीड़ ने अपना शिकार बनाया। हमला करने के दौरान, तोड़फोड़ करने के दौरान, लोगों को घायल करने के दौरान ये तमाम भाजपा समर्थक जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। इसमें आपको बता दें, जमुआ ये गांव जो है ढाका विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आता है बिहार के, और यहां पर महज 20-25 मुस्लिम परिवार रहते हैं, बल्कि 500 हिंदू परिवार रहते हैं। और ये मस्जिद यहां की काफी पुरानी मस्जिद बताई जाती है। मस्जिद के निगेबान है, मस्जिद की देखभाल करने वाले मजहर आलम, इन्होंने जो जानकारी दी है, जो बताया है, वो कुछ इस प्रकार है कि ये विजयी जुलूस जिसमें 500 लोग शामिल थे, ये पवन कुमार जायसवाल की, भाजपा उम्मीदवार जो है, उनकी जीत की खुशी मना करके ये जुलूस निकालते हुए चले आ रहे थे। और जैसे ही मस्जिद के करीब आए, वैसे ही इन्होंने मस्जिद पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसका मस्जिद का गेट तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, और ये पूरी वारदात को अंजाम देते वक्त इन लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। साथ ही मस्जिद में जो लोग मौजूद थे, उन्हें ये हमलावर लगातार कह रहे थे, जो कि मजहर आलम ने बताया है मीडिया कर्मियों से बात करते हुए। हालांकि मुख्य धारा के मेनस्ट्रीम मीडिया चैनलों ने अभी तक इस खबर को इतनी अहमियत नहीं दी है और बताया भी नहीं है, कहीं इसका जिक्र तक नहीं है। बहुत ही निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले जो ऑनलाइन पोर्टल्स है, उन्हीं पर यह न्यूज आई है। तो मजहर आलम के मुताबिक हमले के दौरान ये हमलावर इन तमाम यहां के मुसलमानों को कह रहे थे, तुम लोग यहां से चले जाओ, तुम्हारा देश नहीं है ये, तुम लोग यहां से चले जाओ, तुम्हारा देश नहीं है ये। इस वारदात के चलते जमुआ गांव के इन 20-25 मुस्लिम परिवारों में काफी डर का माहौल है। लेकिन प्रशासन का दावा है, पुलिस विभाग का दावा है कि वो पूरी तरह से मामले पे नजर बनाए हुए, उन्होंने मामला भी दर्ज किया है, कुछ गिरफ्तारियां भी की है, और इन तमाम मुस्लिम परिवारों को आश्वासन दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोई गलत हरकत नहीं होगी। ढाका पुलिस स्टेशन के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है अभय कुमार, उन्होंने इस घटना की पुष्टि भी की है और साथ ही में यह भी बताया है कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस 145, 148, 153, 295 और 307, इसके तहत मामला दर्ज किया गया है। 2 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, बाकी के लोग अभी गिरफ्तार होना बाकी है। तो आत्मनिर्भर भारत, बदलता भारत, नया भारत, पता नहीं कौन कौन से विशेषण दिए जा रहे हैं भारत के नए उदय के बारे में, और देश की सत्ताधारी पार्टी केंद्र में जिसकी सत्ता है, अब एनडीए के मार्फत बिहार में वापस सत्ता लौटी है। तो ये जो दावे हैं आत्मनिर्भर भारत के, नए भारत के, ये दावे जो है ऐसी घटनाओं के चलते कहां से सही साबित हो रहे हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अब भारत की छवि उभरेगी, ये भी कहना मुहाल है। ये देख सकते हैं सर आप वीडियो में, ये देखिए ये देखिए
सर प्रशासन ये है, वीडियो देख सकते हैं आप लोग, गेट मस्जिद के गेट को तोड़ दिया है। ये देख सकते हैं सर, गेट को तोड़ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। मस्जिद का मस्जिद किसका क्या नुकसान किया है, मस्जिद अभी बहुत तोड़ फोड़ किया, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए मस्जिद में तोड़ फोड़, हम लोग को तो मारा अलग से ही, मेरा नाम मुँह फूट गया है। ये देख सकते हैं, ये देखिए मस्जिद में, इस मस्जिद में कितना पत्थर आया हुआ है। और ये वाला घर में हम लोग छुपे हुए थे, ये मुरई घर है, इसमें भी बहुत पत्थर चला है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इधर कितना पत्थर चला हुआ है, देखिए